हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल देखिए मैं आज आपके लिए एक सॉक्स बना कर लेकर आई हूँ तो ये हमारा जो सॉक्स साइज़ है ये हम छः महीने से लेकर और एक साल के बच्चे तक ये आराम से डाल सकते हैं ये देखिए बहुत ही सुंदर से और बहुत ही इजी से ही हमारे सॉक्स बनने वाले हैं देखिए इस तरह से बहुत ही सुंदर से ये देखिए तो ये जो हमने सॉक्स बनाई है ये देखिए ये हमने यहाँ से शुरू की हुई है यहाँ से सबसे पहले तो हम इसका बॉर्डर बनाएंगे तो फ्रेंड्स बॉर्डर के लिए हम इसमें ये देखिए चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सैंतीस फंदे डाल लिए हैं दस नंबर की सिलाई का मैंने यहाँ यूज़ किया है और सैंतीस फंदे डालने के बाद एक सिलाई मैंने उल्टी उल्टी निकाल ली है यहाँ के बाद हम यहाँ पर बॉर्डर बनाएंगे बॉर्डर बनाएंगे हम एक सिलाई एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधे का ये देखिए एक फंदा सीधा बनाएंगे फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा सीधे उल्टे का हम इसमें बॉर्डर बनाते हुए फ्रेंड्स इसको हम देखिए दो इंच तक कंप्लीट कर लेंगे ये देखिए आपको मैं एक बार दिखा भी देती हूँ तो ये देखिए फ्रेंड्स इसको हम यहाँ से यहाँ तक दो इंच तक इसको तैयार कर लेते हैं तो इसी तरह से आप एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बनाते हुए इस जो है इसको बॉर्डर को दो इंच तक बना लीजिए तो ये मैं दो इंच तक बना के उसके बाद आपको आगे का दिखाऊंगी आप भी इसी तरह से बॉर्डर बना लीजिए सैंतीस फंदे डाल के तो ये देखिए फ्रेंड्स दो इंच तक हमने बॉर्डर को बना लिया है अब हम एक सिलाई सीधी और एक सिलाई उल्टी निकालेंगे अब हम बॉर्डर के फंदे नहीं बनाएंगे एक सीधा और एक उल्टा पूरी सिलाई को हम सीधा सीधा बना लेंगे उल्टी साइड से भी पूरी सिलाई हम उल्टी उल्टी बना लेंगे तो इस तरह से उल्टी उल्टी सिलाई सिलाई बनाते हुए हम कंप्लीट कर लेंगे तो ये देखिए दो सिलाइयाँ हमने बना ली है, एक सीधी और एक उल्टी अब हम यहाँ पे एक एक जाली डाल देंगे ये देखिए कैसे डालेंगे एक दो तीन फंदा हमने सीधा बनाया धागे को हम आगे कर लेंगे और यहाँ पे हम दो फंदों का एक कर देंगे आगे की साइड से ये तो ये देखिए दो फंदे का एक भी हो गया और साथ के साथ हमारी एक जाली भी आ गई फिर से एक दो तीन फंदे बनाएंगे धागे को आगे कर लेंगे और दो फंदों का एक कर देंगे ये देखिए फिर से एक दो तीन फंदे बनाएंगे धागे को आगे कर लेंगे दो फंदों का एक कर देंगे तो ये जो हम डोरी डालते हैं बच्चों को बांधने के लिए ये उसके लिए है आराम से हाँ हमारी डोरी आ जाएगी जाली बनाने के बाद तीन तीन फंदे छोड़ने के बाद हम ये देखिए तीन फंदे हमने बना लिए फिर से हम धागे को आगे कर लेंगे और दो फंदों का एक कर देंगे आगे की साइड से देखिए तीन फंदे बनाए धागे आगे किया दो फंदों का एक कर देंगे फिर से हमारे तीन फंदे सीधे उल्टी साइड से हमने पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बना लेना है पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लेने। तो ये देखिए फिर से हम एक सिलाई और सीधी निकाल लेंगे उल्टी साइड से हमने कलर को चेंज कर लेना है जो ये व्हाइट कलर है ये हम उल्टी साइड से इसके अंदर जोड़ लेंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स उल्टी साइड से हमने व्हाइट धागे को जोड़ लिया है अब हम वाइट से बनाते हुए उल्टी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे तो ये देखिए अब आगे हम अपने सीधी साइड पे, सीधी साइड से भी हम उल्टी उल्टी बनाएंगे तो एक सिलाई ये उल्टी साइड उल्टी सीधी साइड से निकालेंगे और उल्टी साइड से भी पूरी सिलाई हम उल्टी उल्टी बना लेंगे तो ये दो सिलाइयाँ और हम बना लेते हैं फिर तीसरी सिलाई में हम आपको दिखाएंगे कि आगे क्या करना है तो ये देखिए इस तरह से हम उल्टी उल्टी बनाते हुए इसको कंप्लीट कर लें तो ये देखिए फ्रेंड्स दो सिलाइयाँ हमने बना ली हैं अब यहाँ से हम सत्रह फंदे बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह और ये सत्रह तो सत्रह फंदे हम इधर के छोड़ देंगे बीच में हमारे तीन फंदे बचेंगे देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ आठ दो तो सोलह और एक ये सत्रह तो तीन फंदे हमारे यहाँ पे बचे हैं इसके लिए हमने क्या करना है फ्रेंड्स इस तरह से हम एक जाले डाल देंगे और तीन फंदे हम उल्टे बना देंगे एक दो तो और ये तीन फिर से हम यहाँ पे एक जाले डाल देंगे और बाकी के सत्रह फंदे हम बना लेंगे उल्टे उल्टे ही फंदे बना लेंगे उल्टी सिलाई हमारी पूरी उल्टी उल्टी बनती है ये हम बना के कंप्लीट कर लेते हैं तो ये देखिए उल्टी सिलाई बनाने के बाद हमने फिर से सत्रह फंदे उल्टे बना लिए हैं और ये देखिए जो हमारी जाली का फंदा है वो हमने अंदर की साइड उल्टा लेना है जहाँ पे हमारे तीन फंदे थे पिछली बार अब की बार हमारे पांच फंदे हो जाएंगे तो देखिए फिर से हमने यहाँ पे एक जाली डालनी है और पांच फंदे उल्टे बनाने हैं ये देखिए दो तीन चार और ये पाँच पांच फंदे उल्टे बनाने के बाद फिर से हमने यहाँ पे जाली डाल देनी है और सत्रह फंदे हमने उल्टे बनाने हैं पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाते हुए उल्टी साइड से पूरी सिलाई हम उल्टी उल्टी बना लेंगे पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बना लीजिए तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी दो जाली आ चुकी है और बीच में हमारे सात फंदे हो चुके हैं तो इसी तरह से जैसे हमने ये दो जाली डाली हैं फ्रेंड इसी तरह से हमने पांच जालियाँ डाल लेनी हैं यहाँ पे तो इसी तरह से आप भी डालते जाइए मैं भी ये पांच डाले कम जाली जो है वो कंप्लीट कर लेती हूँ फिर मैं आपको आगे दिखाऊँगी तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने पांच जाली जो है वो यहाँ पर डाल दी है एक दो तीन चार और ये पांच अब हम यहाँ पे कोई जाली नहीं डालेंगे आगे तो ये देखिए जो ये हमारा जाली वाला फंदा है ये हमारे सत्रह फंदे हैं तो ये किए अट्ठारह फंदे अट्ठारह फंदे हमने उल्टे बना लिए हैं यहाँ पे हमने जाली नहीं डाली है अब हम ग्यारह फंदे और बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस और ये ग्यारह ग्यारह फंदे हमारे इधर हैं और इधर हमारे ये अठारह फंदे हैं सत्रह फंदे हमारे ये हैं और एक हमारा ये जाली वाला फंदा है तो यहीं से हम वापस से ही मुड़ जाएंगे ये देखिए इस तरह से और वापस से ही ये ग्यारह फंदे हम बना लेंगे ये देखिए इन ग्यारह फंदों को ये देखिए ग्यारह फंदे हमारे हो गए हैं फिर से हम वापस से यहीं से मुड़ जाएंगे और इन्हीं ग्यारह फंदों को हम अब बार बार रिपीट करेंगे तो और यहाँ पे हम ये सोलह सिलाई निकाल लेंगे यानी कि हम यहाँ पे आठ धारियाँ जो हैं वो बना लेंगे ये देखिए इस तरह से एक हमारी ये बन गई है दूसरी हमारी ये बनने वाली है तो ये दूसरी धारी हमारी तो देखिए हमारी चार सलाइयाँ अब कम्प्लीट हो जाएंगी तो ये देखिए फ्रेंड्स दो लाइनें हमारी यहाँ पे बन चुकी हैं तो इस तरह से हम छः लाइनें और उल्टी उल्टी बना लेते हैं इस तरह से एक और ये दो तो ये दो ये हो गई छः और बनाएंगे तो हमारी टोटल में आठ हो जाएंगे तो ये मैं बना लेती हूँ फिर उसके बाद आपको दिखाऊंगी तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी आठ लाइनें कंप्लीट हो चुकी हैं ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात और ये आठ आठ लाइनें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं अब हम यहाँ पे फंदे उठाएंगे और यहाँ पे हम सात फंदे उठाएंगे, फ्रेंड्स तो देखिए किस तरह से ये देखिए एक हर एक लाइन पर से एक फंदा उठा लेंगे दो तीन चार पाँच छः और ये सात सात फंदे हमने यहाँ पे उठा लिए हैं अब इनको हम उल्टा करके इस तरह से बना लेंगे तो देखिए फ्रेंड्स सात फंदे हमने बना लिए हैं अब इन अट्ठारह फंदों को भी हम उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लेते हैं ये देखिए अब उल्टी सिलाई को हम यहाँ तक बना लेते हैं उसके बाद यहाँ पे हमने फिर से फंदे उठाने हैं तो ये देखिए फ्रेंड्स अब हमने यहाँ से फंदे उठाने हैं तो ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छ और सात और इनको भी हम इस तरह से बना लेंगे इस तरह से बनाएंगे ताकि हमारा निशान ना दिखे बाकी से ये देखिए अब बाकी के फंदों को हम अठारह फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे इस तरह से फ्रेंड्स पूरी सिलाई हम उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट कर लेंगे दो सिलाइयाँ ये उल्टी उल्टी बनाएंगे सीधी तरफ से भी उल्टी उल्टी बना लेंगे एक सिलाई और उल्टी साइड से भी पूरी उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद हमने कलर को चेंज कर लेना है तो ये दोनों सिलाइयाँ मैं कंप्लीट कर लेती हूँ उसके बाद आपको दिखाऊंगी तो ये देखिए फ्रेंड्स उल्टी साइड में हमारा ये दूसरा कलर है तो इसको भी हमने साथ के साथ ले लिया था तो ये भी हम यहीं से अब जोड़ लेंगे उल्टी साइड से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने दूसरे कलर को ज्वाइन कर लिया है और इस तरह से हमारी ये सौ जो है वो बनती हुई आई है तो अब देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह और ये बारहवीं बारहवीं सिलाई पे हम इसको बंद कर देंगे तो इस तरह से हमने ये बारह जो लाइनें जो भी सिलाइयाँ हमने यहाँ पे उल्टी उल्टी बना लेनी है और ये देखिए यहाँ पे हमने दो कलर की ये लाइनें जो बनाई हैं बीच में हमने दो वाइट लाइनें डाली हैं उसके बाद हमने ये लाइनें डाल दी हैं चार हमारी ये हो गई बाकी हमारी ये हैं ये देखिए इस तरह से ये लाइनें हम डाल लेते हैं उसके बाद आपको दिखाएंगे आप भी इसी तरह से बना लीजिए तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे देखिए दो दो तो चार दो तो छः दो तो आठ दो तो दस और ग्यारह और ये हमारी बारहवीं बारह सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं ये हमारी बारहवीं सिलाई है तो ये देखिए इस तरह से हम इसको पलट लेंगे हमने आधे आधे इसमें फंदे कर लिए हैं ये देखिए इस तरह से अब इन सारे फंदों को हम बंद कर देंगे तो ये देखिए तो हमारे तीस फंदे इधर हैं और तीस फंदे हमारे इधर हैं एक फंदा हमारा ये एक्स्ट्रा है इस तरह से तो इसको हम पहले सिलाई में लेंगे अब हमने शुरू में क्या करना है ताकि हमारी शुरू में ही हमारी जैसे यहाँ पे हमारी एक चोंच सी बन जाती है ये चोंच नहीं बनने देंगे हम इसके यहाँ पे गोलाई देंगे तो गोलाई कर करने के लिए हमने क्या करना है यहाँ पे हमने दो फंदे लेने ये देखिए दो फंदे इधर से और दो फंदे हमने इधर से लेने हैं यानी कि एक बार हमने दो दो फंदों का एक करना है ये देखिए इस तरह से तो एक बार इधर से जो हमारे छूट गए हैं फंदे इनको उठा लेंगे दोनों फंदों को और इनके अंदर से इस तरह से निकाल लेंगे तो ये देखिए दोनों फंदों में से हमने निकाल लिया है तो ये देखिए हमारा एक फंदा खुल गया था इधर से तो इसको हम ठीक कर लेते हैं एक बार तो ये देखिए फंदा सही करने के बाद हम दोबारा से करेंगे तो ये देखिए ये दो फंदे पीछे के लिए हमने दो फंदे हमने आगे के लिए तो ये थोड़ा सा हमने ध्यान से करना होता है ये देखिए इस तरह से अब इन चारों में से इस तरह से हम फंदे को निकाल लेंगे और चारों को धीरे से इस तरह से सिलाई के अंदर से छोड़ देंगे अब जो पीछे के दो फंदे हैं इनको इस तरह से उतार देंगे इसके ऊपर से गिरा देंगे अब एक एक फंदा ही दोनों सिलाइयों में से हमने लेना है और फंदे बंद करते हुए जाना है इस तरह से तो इस तरह से हम सारे फंदे जो है वो बंद कर लेते हैं तो आप भी इसी तरह से एक एक फंदा करते हुए दोनों सिलाइयों में से पूरी पूरी इसको पूरे फंदे को बंद कर लीजिए तो ये मैं भी बंद कर लेती हूँ फिर हम आपको आगे दिखाऊंगी तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने इन फंदों को बंद कर दिया है अब हम यहाँ से और यहाँ तक इसकी सिलाई कर देंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारी ये दोनों सौक्सें जो है वो बन के तैयार हो चुके हैं ये देखिए बहुत ही सुंदर से और बहुत ही प्यारी से हमारी ये सॉक्स बन के बनी हुई है ये देखिए तो ये देखिए फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो बताने का तरीका अगर आपको पसंद आया तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलिए फ्रेंड प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू बाय बाय